पार्टनर्स लोग आते हैं उनके लिए क्या एग्जैक्ट बजट होता है यहाँ पे, क्या एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Welcome to my channel name is Indian Girl in Japan and I am Kavita. So in this video I am going to share with you exact cost of living in Japan, क्या होता है, कितना होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उस टाइम पर मेरा जो बजट था वो डिफरेंट था। इस टाइम पर मैं जो बिगिनर्स लोग आते हैं उनके लिए क्या एग्जैक्ट बजट होता है यहाँ पे, क्या एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ रेंट से। तो रेंट जो है वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टोक्यो में हो, एग्जैक्टली टोक्यो में, जो टोक्यो में है 23 वार्ड्स होते हैं, लाइक कू उसे ऐड किया जाता है, लाइक एदोगावा कू, नरीमा कू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे बहुत सारे कू होते हैं। अगर वहाँ पर आप रह रहे हो तो आपको जो रेंट है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। एक सिंगल रूम का ही रेंट आपको वहाँ पर 30,000 ही रेंट आपको वहाँ से 40,000 या 45,000 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप टोक्यो के आसपास मतलब रहना चाहते हो लेकिन आपको रेंट भी कम रखना है तो आप ट्राई करिएगा चिबा, साइतामा, इस जगह पर अगर आप जाते हैं फुनाबाशी साइड, इस जगह पर अगर आप रहना अगर रहें मतलब रहने के लिए घर वर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे जो रेंट है बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू टोक्यो। और यहाँ पर जो होता है साइतामा, चिबा, इन सब एरिया में आपको जो रेंट स्टार्ट होगा, वन रूम का जो रेंट स्टार्ट होता है वो 25,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ टोक्यो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो सब कितना पे करना होता है, ठीक है। तो टोक्यो में जैसे ही आपको पता है सब कुछ महंगा होता है, ग्रोसरी से लेके एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। वहाँ पर गैस बिल होता है वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है और वाटर बिल वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है एंड आपका जो ग्रोसरीज है वो भी थकाई मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप चिबा, साइतामा इन सब जगह पर अगर ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर जो ग्रोसरीज वो सब होती है बहुत चीप मिलता है और बिल जो होता है वाटर बिल हमारा जो दो दो महीने में आता है वो भी चीप रहता है, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ अगर आप टोक्यो में एज अ वर्किंग वीज़ा पर आते हो, वर्किंग वीज़ा पर आते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जगह पर मतलब कंपनी ही आपको अकोमोडेशन जो होती है वो प्रोवाइड करा देती है। कंपनी ही आपको जो रूम वो सब है कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। तो सो कंपनी जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है वहाँ पर आपको एक शेयर हाउस की तरह एक सिंगल रूम दिया जाता है। तो अगर आप टोक्यो बेस्ड कंपनी में आ रहे हो तो शेयर हाउस की तरह एक सिंगल रूम आपको मिलेगा और उस रूम में जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी आप देख लेना किस टाइप का रूम होता है। वहाँ पर आपको पर पर्सन का जो होता है 25,000 से रेंट स्टार्ट होता है अगर आप टोक्यो में रहना चाह रहे हो, कंपनी का जो शेयर हाउस होता है वहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड कर जो आपकी सैलरी निकलती है उसमें से कट कर आपको देना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं बता दूँ और जो मेरा जो है लेटेस्ट जो है जो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा जो अभी का जो रेंट है वो है 89,600 yen। 89,600 yen की बात कर रही हूँ, मैं कोई इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट नहीं करूँगी यहाँ पर। तो 89,600 yen मेरा सिर्फ रेंट होता है। मेरा जो वाटर बिल होता है दो दो महीने में आता है हमारा, तो मेरा जो वाटर बिल होता है वो 5,000 अप्रॉक्सीमेट आता है। लाइक कभी कभार हम लोग अभी जैसे विंटर्स है तो हम लोग ने ज़्यादा वाटर गर्म पानी जो है ज़्यादा यूज़ किया था तो उस टाइम पर हमारा जो बिल था वो 5,000 कभी 5,500 और अभी जैसे समर्स हो जाता है 200 और 300 के ऊपर आता है। तो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है और एसी जो है विंटर्स में भी यूज़ होती है फॉर क्या बोलते हैं उसको गर्म एसी की हवाएं चाहिए रहती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो उस टाइम पे जो मेरा बिल है वो 7,000-8,000 सिर्फ एसी का मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इंक्लूडिंग सब वो 7,000-8,000 yen आता है। एंड उसके बाद जो मैं आपको बता दूँ जो मेरा गैस बिल मेरा बहुत कम आता है एज़ कम्पेयर टू वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल। गैस बिल मेरा 2,000-2,200 और ज़्यादा अगर खाना बना दिया तो 2,500 की अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। तो मैं आपको वन मोर टाइम रिपीट करके बताती हूँ मेरा जो रेंट है 89,600 रेंट है और गैस बिल है मैंने आपको बता दिया गैस बिल जो 2,000 से स्टार्ट होता है 2,500 तक आता है। उसके बाद वाटर बिल जो है वो 5,000 अप्रॉक्सीमेट होता है एंड उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 6,000-7,000 तक चला जाता है।
और मैं अभी जो रह रही हूँ यहाँ पर, वो जो मेरा जो घर है वो स्टेशन से, ये आप देख सकते हो ये मेरे एरिया के बहुत आसपास है। तो इस तरह का अगर आपको लुक और नज़ारा चाहिए, ये विद इन 8 मिनट्स, मेरे जो घर है विद इन 8 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो ऐसा अगर आपको पार्क और रिवर ये सब जगह पर अगर आपको रहना है तो आपको जो रेंट होता है वो ज़्यादा पे करना होता है, ठीक है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, और मेरा जो घर है वो स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। तो हम लोग ना साइकिल यूज़ करते हैं, ना कभी कभार लेट हो जाए तो टैक्सी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इजी पड़ जाता है, इसीलिए जो रेंट है वो 89,600 उसका रेंट है। और जो मेरा अभी का जो मैं जो घर रह रही हूँ वो नी डी के है, 2 रूम डाइनिंग एंड किचन इसे बोलते हैं। मतलब अगर आप लिविंग भी उसमें बना लो या फिर क्या बोलते हैं उसको बेडरूम में उसने ही बना लो, तो इस तरह का यहाँ पे होता है। नी डी के जो है मेरा 89,600 मेरा रेंट है। और ये इस तरह का अगर आपको और लुक चाहिए और इस तरह का अगर आपको रहना है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेंट जो है ज़्यादा पे करना पड़ता है। इस तरह का अगर आपको लुक चाहिए होता है ना तो रेंट ज़्यादा देना पड़ता है। तो हम लोग अभी 89,600 लोग मुझे बोलेंगे इतना ज़्यादा रेंट क्यों आप पे करते हो। तो ये यहाँ पर फुत्सू है, नॉर्मल है। अगर आपको एक अच्छी जगह पर रहना है, मेरे घर से जो दोनों का ऑफिस होते हैं, दोनों के काम का जो भी है हमारा, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो विद इन 25-30 मिनट्स डिस्टेंस पर आ जाता है। तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनरी है, बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है, ठीक है। और मैं अभी और एक बात बता दूँ, अगर आपको कम बजट में जापान में रहना है तो आपको ना शेयर हाउस करके एक होता है। अब अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हो वहाँ पर आपको डिपॉजिट सिर्फ 1 महीने का देना होता है। शेयर हाउस होता है वहाँ पर, बहुत सारे आपको फॉरेनर्स लोग मिल जाएंगे। शेयर हाउस बोले तो आप अगर लैंग्वेज स्कूल के यहाँ पर आ रहे हो, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आप स्कूल के ही शेयर हाउस में रहो, आप वहाँ पर भी रह सकते हो। अगर आप वर्किंग वीज़ा पर आ रहे हो तो उस शेयर हाउस में भी रह सकते हो। तो बहुत सारे शेयर हाउसेस जो है जापान में अवेलेबल है। तो उनका जो रेंट है, अगर अकियाबरा के आसपास आपको उवेनो जो एरिया है वहाँ पर अगर आपको शेयर हाउस में रहना है, तो वहाँ पे मेरे जान पहचान वाला बहुत थोड़े दिन पहले रह रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो रेंट है वो 25,000 येन आपको पे करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा बन रही है, जो वो शेयर हाउस वहाँ पे जो रह रहा था वो स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको शेयर हाउसेस में मिल जाएंगे, और उस शेयर हाउस में आपको 25,000 येन में इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, जो वाईफाई होता है, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल और सब कुछ इंक्लूडेड आपको मिलेगा 25,000 येन में। तो आपको 25,000, अगर आप अकेले बंदे हो, आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, तो वहाँ पर वो बेस्ट जगह है आपको। और 25,000 में आपका ये सब कुछ हो गया रहना वहना। अभी खाने पीने की बात आती है, तो खाने पीने पर वो भी आप पे डिपेंड करता है आप कितना खाते हो। अगर आप बचत करने के लिए आ रहे हो और आपको आपकी हेल्थ ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो आप ज़्यादा पैसा नहीं यूज़ करोगे। आई एम करेक्ट, मुझे नहीं लगता है मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पर। अगर आप 2 पैसे बचाने के लिए आ रहे हो यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा खाओगे। तो पर डे अगर आप 1,000 येन, अगर सुबह का नाश्ता जो हो गया कॉम्बिनी से 200-250 येन में ले लिया, ठीक है, फिर लंच जो होता है वो कॉम्बिनी से 200-250 येन में मिल गया, तो डिनर या फिर स्नैक्स इंक्लूडिंग सब एक दिन का अगर आपने सही येन, मतलब 1,000 येन अगर पकड़ के मैं चलूँ, तो आपको मंथली 30,000 येन लगेगा। और इतना ही लगता है एक बंदे को। अगर बहुत सारे ऐसे बंदे होते जो 15,000 चला लेते, पता नहीं वो लोग क्या खाते हैं। इंडियन ग्रोसरीज अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको वो इजी पड़ जाता है। तो ऐसे हो गए यहाँ पे, अगर वो हो गया आपका खान पीन का, हो गया 20-30,000 प्लस आपको आता है मोबाइल। अभी अब आप जापान में हो, आपको यहाँ पे 4G सर्विसेज मिलती है, तो सॉफ्ट बैंक हो गया, डोकोमो हो गया, AU हो गया, बहुत सारे, राकटेन हो गया, अमेजोन हो गया, बहुत सारे आपको यहाँ पर कैरियर्स मिल जाएंगे। तो मैं अभी जो है यूज़ करती हूँ, मेरा जो है वो सॉफ्ट बैंक करियर है, और मेरा जो इंटरनेट है बहुत ज़्यादा है, हम लोग का घर का भी इंटरनेट उसमें इंक्लूडेड है। तो बिल जो होता है अप्रॉक्सीमेट 10,000-12,000 येन तक आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप करवा रहे हो उसको। तो जो नए बंदे आते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही यहाँ पर फ़ोन मिलता है, स्टूडेंट्स को हो गया, फिर वर्किंग वीज़ा वालों को हो गया। तो उतना आपको 10,000-12,000 जो होता है वो फ़ोन का लग जाता है। उसके बाद आता है आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर आपको जहाँ
आप रहते हो वहाँ से अगर आपको दूसरी जगह जाना है तो यहाँ पे ट्रेन की टिकट्स हो गए या फिर पासमो जो सुइका होता है बहुत, आज तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी, फोटो डाल दूंगी यहाँ पर कहीं पर, आप देख लेना, तो उसको भी आपको पे करना होता है। तो अगर आप अगर वर्किंग पर हो तो आपको कंपनी 6 महीने का पास बना कर दे देती है या फिर स्टार्टिंग में 1-1 महीने का पास बन जाता है, उसके भी आपको चार्जेस लगते हैं, इंक्लूडिंग एक बंदा अगर कम से कम पैसे में अगर यहाँ पे रहना चाहता है तो उसको टोक्यो के आसपास अगर रहना चाहता है तो उसको 70-80 या फिर 90 तक एक पर्सन को खर्चा आ जाता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगी, अगर आप फैमिली के साथ ही रहते तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर मैरिड हो कपल्स हो तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि एक पर्सन का यहाँ पे खर्चा जो है 70-80 हज़ार येन का लग जाता है। तो गाइस ये था मेरा था थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान कैसा है फिलहाल का, और एक मैं बनाऊंगी जब जो मेरा अभी नया घर है वहाँ पर मैं शिफ्ट होने के बाद 1 महीने का जो बजट मेरा निकलता है वहाँ पर, और एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कम से कम बजट में कैसा रह सकते हैं इंसान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, टिल देन गाइस स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।